कॉलेज में सीनियर बाल काट देते हैं। हाउस किसके नाम है? हाउस नो हाउस व्हाट हाउस तो बाल मोटे खाते क्यों पूरी जिंदगी? बाल पूरी तो क्या होते हैं, तय कौन सा तेल लगा लो महंगे महंगे नहीं आते वहां पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। मैंने आप सबके रिजल्ट्स देखे जो कि मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। और आपके पेरेंट्स की कंप्लेंट भी आई है कि बच्चों का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, उससे पहले एग्जाम्स हो जाते हैं। इसलिए मैं आपका प्रिंसिपल को स्ट्रिक्ट जरूर रखूंगा। रूल नंबर वन, जब भी आपकी मैम आपको बाहर भेजे, आप जो लॉन्ग कट करके आते हैं वो आपसे नहीं होना चाहिए। रूल नंबर टू, आपका स्पोर्ट्स पीरियड कैंसिल है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो उसी सिलेबस की मैम आपको स्पोर्ट्स पीरियड में आएगी और आपको करवाएगी। रूल नंबर थर्ड, आप आउट पास के बिना बाहर नहीं निकलते। यार 3 महीने का स्पोर्ट पीरियड कैंसिल कर दिया, इतना थोड़ी होता है यार। इतना कौन आता है स्कूल में पढ़ने? यार 8 पीरियड पढ़ना पड़ेगा अब। बेबी यार ये तो जल्दी नहीं होगी, स्कूल वालों में आगे जाता है। काश हम होते प्रिंसिपल। मैं कम इन सर। ये आइए, आपका ये तो ऑफिस है। सर हमें कंप्लेंट है आपसे। बताइए क्या प्रॉब्लम है। जहाँ और स्कूल बच्चों को मोटिवेशनल देशभक्ति की मूवी दिखाते हैं, वहाँ बच्चों को मोहब्बता मूवी दिखा रहे हैं। क्या सीखेंगे इससे हमारे बच्चे? हम अपने बच्चों को ये सब के लिए थोड़ी भेज रहे हैं आपके स्कूल में। एक बात बताइए, देशभक्त की मूवी देखने से बच्चे सच में देशभक्त बन जाएंगे। मोहब्बत की मूवी से बच्चे सच में मोहब्बत करना तो ना सीखेंगे। और सर एक और कंप्लेंट है, आपके स्कूल में बच्चों के यहाँ यहाँ तक के बाल है, कोई डिसिप्लिन है या नहीं है आपके स्कूल में? बात बताइए, अगर बच्चे अभी बाल नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे? स्कूल में स्कूल वाले बाल काट देते हैं, कॉलेज में सीनियर बाल काट देते हैं, फिर आगे जाके जब थोड़ी अकल आती है तब तो बाल उड़ चुके होते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। इस बार जूनियर विंग की कैंटीन उधर होनी चाहिए। छोले चावल, राजमा चावल, बर्गर, पिज्जा सब फ्रेश मिलेगा वहाँ पे। साउथ इंडियन सर? इसमें क्या बात है, साउथ इंडियन का अलग से कैंटीन बना देंगे। सर हमारे स्कूल में पहली क्लास से ज्यादा तो कैंटीन है। मैम आप लंच में क्या लाइए? सर वो आज मैं जल्दी जल्दी मैं लाना भूल गई थी। मैम स्कूल में 2000 बच्चे हैं और 2000 बच्चों की 2000 माँ भी है, जो लेट होने की वजह से खाना नहीं बना पाती होगी, इसलिए हम कैंटीन बनाते हैं और आप कैंटीन का विरोध कर दिया। सर मैं कैंटीन का विरोध नहीं कर रही, बस मैं 13th कैंटीन का विरोध कर रही। इससे अच्छा तो हम वीक में एक दिन रख लेते हैं साउथ इंडियन, इससे हमारा साउथ इंडियन भी मिस नहीं होगा। रोहित मैं ऑफिस में एक टेस्टी सा मेन्यू बना के भेजो। ठीक है। इस बार के आपके रिजल्ट्स कुछ ज्यादा अच्छे नहीं आए, इसलिए आपके टीचर्स और मैंने कुछ नए डिसीजन लिए। अरे भाई कहीं स्पोर्ट्स पीरियड कैंसिल ना कर दे। अच्छे नंबर्स के लिए अच्छा दिमाग होना चाहिए और अच्छे दिमाग के लिए अच्छा खाना होना चाहिए।
क्यों कर रहे हो? रश्मि मैम, इतना शोर क्यों हो रहा है? हाँ सर, बहुत शोर हो रहा है। ये क्लास में 3-4 बच्चों की वजह से पूरा डिसिप्लिन बिगड़ा हुआ है, और स्पेशली टिंकू, इसको मैं आपके पास लेके आने वाली थी। भेजिए इस बच्चे को बाहर और लंच बॉक्स के साथ। सॉरी सॉरी सर, अगली बार से नहीं करेंगे। अपना लंच दिखाओ। तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम अगली बार से 2 टिफिन लेके और एडमिन एक्ट में इसकी रेसिपी लिखवाना। सर, आपके ऑफिस में चोरी हो गई। क्या चोरी हो गया? सब आपके ऑफिस में टीचर का रिकॉर्ड वो भी चोरी हो गया और स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड भी और भी पता नहीं क्या क्या। शुक्र है ये तो बच गया। सर, और टीचर का सैलरी रिकॉर्ड? कुछ नहीं होता सब। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। आप फैशन का प्रिंसिपल? हाँ, आ गई। अब देखते हैं क्या फैशन का बताएगी। हमारी असेंबली से ज्यादा तो फैशन की बातें होती है असेंबली में। असेंबली ही फैशन में है तो। हाँ, तो मैं आपकी प्रिंसिपल आपको कुछ बताने वाली हूँ कि इस साल की यूनिफॉर्म चेंज हो रही है। इस साल गर्ल्स के लिए टॉप्स और डेनिम जीन्स और बॉयज़ के लिए बेस्ट टू बेस्ट जीन्स एंड टी शर्ट्स, ताकि हमारे स्कूल के बच्चे सबसे अच्छे लगे, क्योंकि हमारा स्कूल सबसे ऊपर है और हमारे स्कूल का क्या नाम है? फैंसी स्कूल। सो मैं चाहूँगी कि मेरे स्कूल के सभी बच्चे सबसे अच्छे लगे। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे फिर। बाय बाय। वाह भाई, इस बार की क्या ड्रेस है, तो मजे ही मजे स्कूल में पढ़ाई से, तो फैशन होगा। मैम, इस बार की क्या एक्टिविटी है? हाँ हाँ, इस बार के कंपटीशन के बारे में मैंने सोचा है। इस बार हम रखने वाले फैंसी ड्रेस कंपटीशन, ताकि बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बन के आ सकें और अपना टैलेंट दिखा सकें, क्योंकि हमारे स्कूल का नाम ही है फैशन स्कूल। तो मैं चाहूँगी कि हमारे स्कूल के बच्चे सबसे अच्छे बन के आए, ताकि उनका नाम सबसे ज़्यादा ऊपर हो। तो हम फैशन कॉम्पिटिशन रखने वाले इस बार, और सबको बता देना अच्छे से कि उन्हें बेस्ट से बेस्ट तैयार होकर आना है, क्योंकि जो लोग सबसे ज़्यादा अच्छे, जो सबसे ज़्यादा फैशन होते हैं, सबसे अच्छे बन के होते हैं, उन्हीं के पीछे पूरी दुनिया घूमती है। तो ठीक है, बता देना बच्चों को। ठीक है मैम। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो वी होप आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हमने इसमें हमारे फुल एफर्ट डाले हैं और पूरा सुबह तक लेकर शाम हो गई है। हाँ, सो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। हाँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।